नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। उस समय हम लोग उस क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल एम था, इस क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिएबल पी है। तो हमें करना क्या है, जहाँ भी हमें पी 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 दिखे वहाँ हमें -2 रख देना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को लाइन से करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अच्छा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 4p + 7, पी की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है। तो पी की जगह पे हमने -2 रख दिया, +7 यहाँ रख दिया। तो 4 × 2 = 8, -8 + 7 = कितना हो जाएगा, इसको आप 7 - 8 लिख सकते हैं। जब छोटा में से बड़े में घटाते हैं तो क्या आता है, माइनस रहती है, -1 आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर -1 आया है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम, जहाँ हमें पी दिखेगा वहाँ हमें -2 रखना ही रखना है, ठीक है। तो -3 पी की जगह पे -2 रख दिया, स्क्वायर 4p की जगह पे -2 रख दिया, +7। देखिए जहाँ पी है मैंने वहाँ -2 रखा है, -3 ये -, -, + हो जाता है, तो 4 हो गया यहाँ, ये -8 हो जाएगा, +7 हो गया, ठीक है। ये -12 ±-8 + 7, ये -20 + 7, इतना तो आपको आता होगा कॉन्सेप्ट, इसका क्लियर होगा, बढ़िया की बात है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा -13 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है उसका 13 आंसर आया। नोट करते चलिएगा धीरे धीरे से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जहाँ भी पी देखे क्या रखना है, -2 रखना है। यहाँ -2 पी का क्यूब, मतलब कि -2 का क्यूब, -3 पी का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, +4 पी है तो -2 है, +7 है तो 7 चेप दिया, -2 ये -8 आएगा, 2 × 4 = 8, ये -3 ये +4 हो जाएगा, प्लस ये -8 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, ये --16 -+ हो गया ना, ये -+ 8 × 2 = 16, ये -12 +-, यहाँ इसको हम यहाँ पे माइनस ला देते हैं, बहुत देर तक प्लस माइनस लिख लिया ना, एक ही माइनस काफ़ी है। 16 - 12 -8 + 7, -, जोड़ेंगे तो 16 - 20 + 7, इस बार प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे तो 16 और 7 कितना होगा, 16 और 7 हो जाएगा 23, -20 = 3 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 के 3 का आंसर कितना आया, 3 आया है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, कब, जब हमने पी का मान -2 रखा है तब। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।